हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज मैं जा रही हूँ डॉल म्यूज़ियम। एक दिन ऐसे ही हुआ कि मैं सर्च करते हुए मगर कहाँ यहाँ चंडीगढ़ में कौन कौन से प्लेसेस विजिटिंग प्लेसेस है जहाँ जहाँ मैं जा सकती हूँ और मेरे लिए कन्वीनियंट भी हो मेरे नियर बाय। तो यहाँ पर नियर बाय एक प्लेस है डॉल म्यूज़ियम। मैंने पहले सुना नहीं था, फिर मैंने सोचा आज जाके आती हूँ। तो अभी मैं ऐसे प्लान बना रही हूँ कि मैं अभी जा रही हूँ तो आपको भी वहाँ पर लेके जाऊँगी। अभी मुझे भी पता नहीं है वहाँ के बारे में, तो देखते क्या चीज़ें वहाँ इंटरेस्टिंग है। मैंने जैसे देखा उधर कि काफ़ी पुरानी पुरानी डॉल्स रखी हुई है यहाँ पर। तो अभी मैंने देखो हेयर पैक लगाया हुआ है, अभी मैं हेयर वॉश करूँगी। और ये है कॉफ़ी पाउडर और इसमें मैंने दूध मिलाया हुआ है और मैं इसको फेस पैक लगा रही हूँ। और उसके बाद इसको थोड़ी देर 10 मिनट रखूँगी, उसके बाद मैं नहाने के लिए जाऊँगी और रेडी होके फिर आपको मिलूँगी। चंडीगढ़ की एक बात अच्छी है ना कि यहाँ पे आपको राइड मिल जाती है, बाइक राइड वगैरह इजीली मिल जाती है। मतलब शिमला में थोड़ा टफ रहता है ये सब, तो यहाँ पे ये फैसिलिटी बहुत अच्छी है। मैंने इसमें कॉफ़ी और दूध और हल्की सी शुगर डाली है तो ये टैन हटाता है, मैंने ऐसा सुना है। मैं भी अप्लाई कर रही हूँ। वैसे मैंने पहले भी अप्लाई किया है बट मुझे पता नहीं है कि इतना फ़र्क इसका होता होगा, बट वन टाइम में तो कोई फ़र्क वैसे भी किसी चीज़ का नहीं मिलता है, तो आज मैं दोबारा अप्लाई करूँगी। और देखो आज मैंने नेल पेंट लगाया है, ये समरी समरी फील। मैं थोड़ा लो फील कर रही थी तो मैंने सोचा कि घर पे बैठने से अच्छा है कि आप उठो और आप कहीं चले जाओ, एटलीस्ट आप बिजी रहोगे तो आप उतना ज़्यादा लो फील नहीं करोगे। कितने लोग मानते हैं ये सब चीज़ की, अगर आप बिज़ी रहोगे और अगर आप बेड पे पड़े रहोगे तो आप ज़्यादा लो फील करोगे एज़ कम्पेयर टू अगर आप कहीं निकल जाओ तो आपका थोड़ा दिमाग डाइवर्ट हो जाता है चीज़ों से। मैं हो गई हूँ रेडी और अब मैं निकल रही हूँ डॉल म्यूज़ियम के लिए। तो ये कुछ मेरा आज का लुक, मैं आपको कैसे दिखाऊँ। आई लाइक दिस टी शर्ट, ये पूँ जो बना हुआ है इस पर मुझे बहुत अच्छा लगता है। कार्टून हम बचपन में बहुत देखते थे ना, तो अब मैं निकल रही हूँ। स्कार्फ भी पहनना पड़ेगा क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा धूप है, पर जब डिसाइड कर लिया तो क्या ही धूप है ना। तो निकलते हैं अब, फिर आपको मिलती हूँ मैं। क्या पहुँच गई हूँ डॉल म्यूज़ियम, अब अंदर जाती हूँ। पता नहीं क्या फॉर्मेलिटीज़ है, मुझे पता भी नहीं है यहाँ के बारे में। ये कुछ बाल भवन भी है इंटरनेशनल डॉल म्यूज़ियम। तो अब अंदर चलते हैं, फिर देखते हैं क्या फॉर्मेलिटीज़ होगी, अंदर जाके पता चलेगा।
मैं आ गई हूँ म्यूज़ियम से बाहर और मैं बैठी हूँ अभी बाहर आकर, क्योंकि मैंने राइड बुक की, अभी आई नहीं है राइड। और अच्छा था, मतलब काफ़ी नॉलेजेबल चीज़ें थी वहाँ पर, आपके ट्रेडिशनल क्लोथ्स के बारे में, जो भी इंडियन ट्रेडिशनल क्लोथ्स है और पपेट्स वगैरह उसके बारे में, हिस्ट्री और काफ़ी पुरानी डॉल्स है, तो काफ़ी नॉलेजेबल प्लेस है। और आप अपने बच्चों को, जैसे छोटे बच्चे, भाई बहन बच्चे, उनको लेके आ सकते हो, तो काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग प्लेस है। वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, फ़ोटोशूट अलाउड था, सो मैंने थोड़ी थोड़ी फ़ोटोज़ क्लिक की है सिर्फ, तो वो मैं डाल दूँगी। और होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा, अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट दिखाइए ताकि मैं आगे वीडियो बना सकूं। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।